गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की और मेटल और लिगेंड के बीच में किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आज हम लोग उसके क्रम के अंदर सबसे पहले VBT अर्थात वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंसी का मतलब संयोजकता बंध का, बॉन्ड का मतलब बंध और थी का मतलब थ्योरी सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है ये एन वी सिजविक द्वारा दिया गया था। सिजविक द्वारा दिया गया उन्होंने ये बताया कि कोऑर्डिनेट बंध भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है, जिसमें डोनर परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान ग्राही परमाणु को दे देता है। पॉलिंग ने इस विचार को उपसह संयोजक यौगिकों पर लागू करते हुए सुझाव दिया कि इन यौगिकों में प्रत्येक लिगेंड अपने एक परमाणु के माध्यम से एक युग्म का दान करता है, जिसे ग्रहण करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपने पास से एक रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। इस प्रकार पॉलिंग यह समझा सके कि एक धातु परमाणु की सामान्य संयोजकता कम होने के उपरांत वह बहुत से लिगेंडों से बंध बनाते हुए संकुलों का क्रम निर्माण करता है। VBT है यह सिद्धांत। उपसह संयोजक यौगिकों के निर्माण में संयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। नंबर एक, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन द्वारा लिगेंड की कुल संख्या के जितने रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं इस संख्या को धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यदि किसी धातु के बाह्यतम को उसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो बंध में भाग लेने वाले कक्षक NSNP तथा ND या N-D1 होंगे। सामान्यतः बाह्यतम को एन के कक्षक रिक्त होते हैं, लेकिन N-D कक्षकों को रिक्त कराने के लिए इलेक्ट्रॉनों को इन्हें कक्षकों की पुनर्व्यवस्था की जाती है या इन्हें उच्च ऊर्जा या ND कक्षकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये रिक्त कक्षक संकरित होकर बंदी कक्षकों के नए समूह का निर्माण करते हैं, जिनकी एक निश्चित दिशात्मक विशेषता पाई जाती है। संकुल में पाए जाने वाले कुछ सामान्य संकरण D2SP3, DSP3, DSP2, SP3, SP3D2, SP2 और SP संकरण कक्षकों के संकरण संबंधी दिशात्मक तथा संकुलों की ज्यामिति से ही होता है। अब जैसे सामान्य संख्या 6 है तो संकरण कौन कौन से हो सकते हैं? संकरण हो सकते हैं D2SP3 या SP3D2 और जिसकी ज्यामिति है वो होती है अष्टफलकीय। यदि सामान्य संख्या 5 है तो DSP3 या SP3D, इसकी जो आकृति या ज्यामिति होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। यदि सामान्य संख्या 4 है तो संकरण DSP2 होता है और ज्यामिति इसकी वर्गाकार होती है। सामान्य संख्या 4 और होती है तो SP3 भी हो सकता है, लेकिन ज्यामिति अब की बार इसकी चतुष्फलकीय होगी। यदि 3 है तो SP2 ज्यामिति त्रिभुजीय और 2 है तो SP ज्यामिति एक रेखीय या रेखीय कहते हैं। धातु के इन रिक्त कक्षकों तथा लिगेंडों के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्मों से भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। संकुलों में यह सिग्मा बंध ही सिजविक के उपसहसंयोजक बंध है। सिजविक ने उपसहसंयोजक बंध के बारे में बताया था, सिजविक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था। फलतः संकुलों के दाता तथा ग्राही परमाणु लगभग उदासीन हो जाते हैं और बंधन अधिक प्रबल हो जाते हैं और इस संकुल स्थायित्व को प्राप्त होता है। अब इसकी क्या क्या सफलताएं रही, इस सिद्धांत की क्या क्या सफलताएं रही? संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हम यह भली भांति समझ सकते हैं कि सामान्य अकार्बनिक यौगिकों में धातु अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह किस प्रकार से अत्यधिक उच्च संख्या में लिगेंडों से बंधित होकर स्थायित्व उपसहसंयोजक यौगिक बना लेता है। उपसहसंयोजक यौगिकों की त्रिविम रसायन, चुंब के गुण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा उपलब्ध संयोजकता बंध सिद्धांत की उपलब्धि ही रही है। अब बात करें इसकी कमियों की, इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, इसकी कमियों के बारे में हम बात करेंगे। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सफलता व सहजता अनेक कारणों से वर्षों तक उपसहसंयोजक यौगिक बंध व्याख्या तो सुविधाजनक रूप में इसका उपयोग होता रहा, लेकिन इसमें काफ़ी कमियां रह गई थी और कमियों के अंदर
निम्न कमियां हैं। नंबर एक, संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयन। अधिकांश संक्रमण धातु आयन रंगीन पाए जाते हैं। विशिष्ट गुण की व्याख्या न कर पाना सहसंयोजक सिद्धांत की एक गंभीर कमी है और रंगों की व्याख्या VPT के द्वारा पॉसिबल नहीं हुई। अब क्या है फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ कलर। कलर का फंडामेंटल आस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। अब कलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, प्रकाश यदि कोई श्वेत प्रतीत होता है, वास्तव में यह बहुत से रंगों का मिश्रण है। ये सभी रंग मूलतः तीन रंग नीला, लाल और पीला के मिश्रण से बने होते हैं। इन तीन रंगों को प्राथमिक कलर कहते हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? नीला रंग, लाल रंग और पीला रंग, या इसको कह सकते हैं हम नीलापी, नीला, लाल और पीला, और यही आपके प्राइमरी कलर है। और बाकी से जो बनते हैं वो सारे सेकेंडरी कलर होते हैं। अब जैसे नीले से क्या क्या बन सकता है? लाल प्लस पीला। प्राथमिक रंग नीला है तो प्राथमिक रंग के समान मात्रा में यदि मिला देते हैं तो लाल में यदि पीला मिलाते हैं तो नारंगी, पीले में यदि नीला मिलाते हैं तो हरा, और नीले में यदि लाल मिलाते हैं तो बैंगनी। किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर वह वस्तु रंगीन दिखाई देती है। उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रकाश में उपस्थित एक या अधिक रंगों का अवशोषण कर शेष रंगों को परावर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए तीनों प्राथमिक लाल, लाल पीला व नीला रंग युक्त प्रकाश से यदि कोई पदार्थ नीला रंग अवशोषित कर लाल तथा पीले रंग को परावर्तित कर देता है तो वह पदार्थ नारंगी दिखाई देता है। ध्यान से देखें इसको। एग्जाम्पल लिया है कि यदि कोई पदार्थ नीले रंग को अवशोषित कर लेता है। अब हमें पता है नीला, लाल और पीला प्राइमरी कलर है, और कोई पदार्थ है वो नीले रंग को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लिया, पीछे क्या रहा? पीछे रहा पीला और लाल। तो पीले और लाल इन दोनों से मिलकर के कौन सा कलर मिला? नारंगी। तो पीले और लाल रंग को परावर्तित कर देता है तो वह पदार्थ नारंगी कलर का दिखाई देगा, क्योंकि परावर्तित प्रकाश तथा पीले रंग का द्वितीय रंग नारंगी है। यदि किसी रंग के अवशोषण से पदार्थ का जो रंग दिखाई देता है उसे अवशोषित रंग का पूरक रंग अर्थात कॉम्प्लीमेंट कलर कहते हैं। यहाँ नीले रंग का पूरक रंग नारंगी है। नीले रंग का जो कॉम्प्लीमेंट कलर कौन सा है? वो नारंगी है, ऑरेंज कलर है। अतः रंग से एक विशेष तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का विकिरण संबद्ध होता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ द्वारा किसी विशेष रंग के अवशोषण का मतलब है उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी विशेष तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करना। अवशोषित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य को प्लैंक समीकरण E बराबर HNU अथवा E=hc/λ द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखिए अवशोषित रंग यदि पीला और हरा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कलर लाल बैंगनी है, तो तरंग संख्या इसकी 24,000 से 26,000, ये सेंटीमीटर इन्वर्स में होती है। यदि अवशोषित रंग पीला है तो पूरक रंग जामुनी है, तरंग संख्या इसकी होती है 23,000 से 24,000। पीला यदि रंग नारंगी यदि है तो नीला रंग इसका पूरक रंग है और 21,000 से 23,000 इसकी तरंग संख्या होती है, वेव नंबर। यदि अवशोषित रंग लाल है तो पूरक रंग नीला हरा और इसकी जो वेव नंबर है वो 20,000 से 21,000। लाल बैंगनी तो पूरक रंग कौन सा है? हरा, और इसकी वेव नंबर है 18,000 से 20,000। लाल बैंगनी यदि अवशोषित रंग है तो पूरक रंग हुआ पीला हरा और 17,300 से 18,000 इसकी वेव नंबर है। जामुनी कलर यदि अवशोषित रंग है तो पूरक रंग है पीला और इसकी वेव नंबर है 16,400 से 17,300। अवशोषित रंग यदि नीला है तो पूरक रंग नारंगी और तरंग संख्या अर्थात वेव नंबर है 15,300 से 16,400। और यदि अवशोषित रंग नीला हरा रंग है तो इसका पूरक रंग लाल है और इसकी अवशोषण जो वेव नंबर है वो 12,800 से 15,300 होती है। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी विकिरण अवशोषित से आए ऊर्जा के विकिरणों पर विचार करें। माना कि किसी इलेक्ट्रॉन की आरंभिक ऊर्जा क्या है? E1 है, और इस पर प्रकाश पड़ने पर ये न्यू आवृत्ति का विकिरण अवशोषित करता है तो इसकी ऊर्जा E2 हो जाती है, तो क्या हो जाता है? E1+hν हो जाएगी। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, यदि इस अवशोषित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य दृश्य क्षेत्र में पड़ता है तो अवशोषित विकिरण का पूरक रंग ही दिखाई देगा। यदि उच्चतर ऊर्जा स्तर में रिक्त स्थान की अनुपलब्धता या अन्य किसी कारण से विकिरण का अवशोषण नहीं हो सके तो पदार्थ रंगहीन होगा। दृश्य क्षेत्र की तुलना में अवशोषित विकिरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक या बहुत कम होने पर भी पदार्थ रंगहीन दिखाई देगा। इस प्रकार संक्रमण धातुओं के यौगिकों के विलयनों के रंगों की व्याख्या के लिए उनमें संक्रमण डी कक्षकों की अधिक ऊर्जा के ऐसे रिक्त कक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है जिनका ऊर्जा अंतर दृश्य क्षेत्र में पड़ता हो। VBT उपयुक्त ऊर्जा अंतर वाले उच्चतर ऊर्जा स्तर या प्रावधान नहीं होने के कारण उपसेषण यौगिकों में रंगों की व्याख्या नहीं कर सका।
और भी इसके आगे काफ़ी कुछ है जिनके बारे में VBT नहीं बता पाया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को VBT नहीं बता पाया। प्रत्येक यौगिक के लिए एब्जॉर्प्शन एक विशेष तरंग दैर्ध्य पे ही होता है। दूसरे शब्दों में हम किसी संक्रमण धातु के विभिन्न लिगेंडों से निर्मित यौगिकों में विकिरणों का अवशोषण भी भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों पर होगा, जिसके फलस्वरूप उनके रंग भी भिन्न भिन्न होंगे। यह तभी संभव है जब किसी यौगिक में निम्नतर तथा उच्चतर ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का मान निश्चित हो। किसी धातु आयन द्वारा भिन्न भिन्न लिगेंडों के साथ बंध बनाने से ये ऊर्जा के मान परिवर्तित हो सके। संयोजकता बंध सिद्धांत में किसी धातु के साथ सभी लिगेंड एक ही क्रियाविधि उपचय संयोजक बंध के निर्माण द्वारा संयुक्त होते हैं। इस प्रकार उपचय संयोजक यौगिकों के अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत समझने में असफल रहा। अब है संकुलों के चुंबकीय तथा ज्यामिति। अब संकुलों में ज्यामिति और चुंबकीय गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं। टेट्रासाइनोनिकल का एक कॉम्प्लेक्स है। अब यदि इसकी हम बात करें तो निकल की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है वर्गाकार, और इस वर्गाकार ज्योमेट्री को VBT नहीं बता पाया क्योंकि ये बताता है चतुष्फलकीय, क्योंकि इस समय तक हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लॉन्ग फील्ड लिगेंड का पता नहीं लगा पाए, और यही बात VBT स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को नहीं बता पाया। यह आगे CFT के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे टुमारो, संकुलों के चुंबकीय गुण तथा उनकी ज्योमेट्री। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।